एफआईए इन एक्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईए कॉरपोरेट क्राइम सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया है। मुनस इलाही के खिलाफ शुगर कमीशन की रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। 2020 की इंक्वायरी रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। चौधरी परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। परवेज इलाही ने अपने वजारत आला के दौर में मुलजमान को फायदे पहुंचाए थे। इरफान मलिक इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए कॉरपोरेट सर्कल की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में शुगर कमीशन बनाया गया था 2020 में, उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट की रोशनी के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस्तगासा जो है वो डायरेक्टर एफआईए पंजाब वन जो हैं जहाँ जेब नज़ीर खान, उनकी मुदय्यत में दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि इस मुकदमे में ये बताया गया कि 2007 और 8 के अंदर एक नायब कासद जो हेल्थ डिपार्टमेंट था, सेकेंड ग्रेड का ये जो मुलाजिम था, उसकी जानिब से एक शुगर कमीशन जो था, शुगर जो मिल थी उसका वो शेयर होल्डर था, और ये रहीम यार खान शुगर मिल थी और इसका जब शेयर होल्डर था तो इस वक्त उसकी 780 मिलियन के करीब जो थी वो उसके असासे थे, जिसमें उसमें की मशीनरी खरीदनी या दीगर इंतजाम करने थे। लेकिन इन्हीं जो 6 से 7 साल के दौरान इसके असासे जो थे वो 28 बिलियन से ज़्यादा जो हैं, वो 28 अरब रुपए से ज़ायद जो हैं वो हो गए। और इसमें जो मोनस इलाही, क्योंकि इसके डायरेक्ट शेयर होल्डर थे, और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो दफात शामिल की गई हैं मुकदमे में, ये बताया गया है कि इस मुकदमे में जो शुगर मिल थी, इसके जो असासे थे, इसको पहले जब स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ 780 मिलियन जो थे वो इसके असासे थे, जो कि एक ग्रेड 2 का जो मुलाजिम था, जो नायब कासिद था, उसकी जानिब से जब इसको शुरू किया गया तो इसकी जो इजाज़त थी वो उस वक्त के जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई थे, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ की जानिब से दी गई थी। तो इसमें उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मोनस इलाही जो इस जो शुगर मिल के जो डायरेक्टर्स के अंदर शामिल थे, उसके साथ साथ मोहम्मद खान भट्टी के मुकदमे में नाम शामिल है, उनके बेटे का नाम शामिल है, और उसके साथ साथ दीगर जो 7 अफराद हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। और एफ आई ए हुकाम का कहना है कि 2 अफराद जो हैं इसमें गिरफ़्तार किए जा चुके हैं, जबकि बाकियों को भी जो है वो गिरफ़्तार करके तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि ये 728 मिलियन से जो 28 अरब रुपए के असासे हैं, ये मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स की मदद से एफआईए ने ये हासिल किया। और एफआईए काम का कहना है कि एक नायब कासिद के अकाउंट्स जो 14 से ज़ायद उसके अकाउंट्स थे मुख्तलिफ बैंकों के अंदर, उनसे ये रकम जो है उसकी ट्रांजेक्शन की गई, और इसी बना के ऊपर इस पे जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत और 420 की दफ़ात जो फ्रॉड की दफ़ात हैं वो शामिल की गई, और दीगर दफ़ात जो हैं वो शामिल करके ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इसमें आपको ये भी बताएं कि इसमें चौधरी परवेज़ लाई का एफआईआर के अंदर नाम शामिल है, क्योंकि 2007 के दौरान चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब थे और उन्हीं की जानिब से इस शुगर मिल के जो परमिशन के जो पेपर थे वो उसकी इजाज़त दी गई। और इसी हवाले से एफआईए का कहना है कि चौधरी परवेज़ लाई को भी इसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जी, चौधरी परवेज़ लाई को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इरफान मलिक थे, तफसील आगाह कर रहे थे।